हेलो दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी गुड़पट्टी बनकर तैयार है। अगर आपको भी इसी तरह की गुड़पट्टी बनानी है तो हमारी वीडियो को लगातार देखें। आइए तो हम शुरू करते हैं तिल की पट्टी बनाना। ये हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिया है। दो कटोरी तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कटोरी हो गई, ये दूसरी कटोरी भी हम डाल रहे हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम गुड़ लिया है। अब हम तिल को भूनते हैं। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से पकड़ ना ले और हल्का लाल होने तक इसे हमें भूनना है। ये हमें मीडियम आंच पर ही इसको भूनना है। ये हमारा तिल का कलर चेंज हो गया है और हमारी तिल लाल हो गई है, भून गई है। ये इसकी गैस अब हमने बंद कर दिया है और अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम गुड़ को गरम करते हैं। ये कढ़ाई में डाल दिए हैं और यहाँ पर हम 25 ग्राम तक पानी भी डाल दिए हैं। अब इसको हम पकाते हैं। ये हमारा गुड़ घुलकर इस तरीके से हो गया है। अभी इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, हमें इसे और पकाना है। हमारा गुड़ पूरी तरीके से गल गया है। अब इसको हम छन्नी से छान लेते हैं। इसलिए छाना है कि इसमें जो गंदगी है, ये देखिए डंडी वंडी है और कुछ कंकड़ है, वो सब इसमें छन्नी में आ गए हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। हम गुड़ को कढ़ाई में डालकर पकाएंगे। गुड़ को हमें मीडियम आंच पर पकाना है। ये हमें अभी और चीज़ को पकाना है। जब ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको बंद करेंगे। हमारा गुड़ लगभग पक गया है। अब इसमें हम ये 2 चम्मच तक बटर डाल दे रहे हैं। एक छोटा पैकेट है ये। इससे हमारे गुड़ पट्टी का स्वाद बढ़िया आ जाएगा और इसे हमें अभी और पकाना है। इससे ये बटर डालने से ये गुड़ जो है आराम से कढ़ाई से छोड़ देगा। ये हमारा गुड़ पूरी तरीके से पक गया है। अब इसमें हम तिल डालेंगे भुनी हुई। 1.5 कटोरी तक तिल डाल रहे हैं, आधा हमने बचा लिया है और इसको अब हम मिलाते हैं और इसे हम अब गैस से हटा ले रहे हैं। अब हम इस प्लास्टिक पर ऑयल लगाकर ये हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं ताकि हमारी ये जो पट्टी हम इसमें फैलाएंगे वो बढ़िया से छोड़ दे। ये इस तरीके से अब इसमें हम थोड़ा सा ये जो तिल बचाए थे उसको फैला दे रहे हैं और इस पे अब हम ये गरम तिल और गुड़ डाल रहे हैं इस तरीके से। पूरा तिल और गुड़ को फैला दिया। ये हमारी गुड़ की पट्टी पूरी प्लास्टिक पर फैल गई है। ये देखिए मेरी कढ़ाई पूरी खाली हो गई है। अब ये जो तिल मैंने बचा ली थी इसको भी मैं ऊपर से पट्टी पर ऐसे ऐसे डाल दे रही हूँ ताकि ये देखने में और अच्छा लगे और इसका स्वाद भी बढ़िया आएगा। इस तरीके से हम पूरी में इसको फैला दे रहे हैं। ये प्लास्टिक से ढककर इसको खोल देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम खोलेंगे। आइए तो हम अब अपनी तिल पट्टी को खोलकर देखते हैं। ये देखिए हमारी पट्टी ठंडी हो गई है
हल्की हल्की गर्म है, पूरी तरीके से ठंडी नहीं है। अब इसको हम उठा कर देखते हैं। ये देखिए हमारी स्वादिष्ट और बढ़िया तिलपट्टी बनकर तैयार है। अब इसको हम तोड़ भी लेते हैं। अभी ये गर्म ही है, ये बीच से मैंने इस तरह तोड़ दिया। अभी ये पूरी तरीके से ठंडी होने के लिए अभी मैं छोड़ देती हूँ। ये पूरा गोल सांचा में बना हुआ है हमारा। ये हमारी गुड़ की पट्टी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।